तो मैं ज़ूम कर देता हूँ, हमेशा ऐसा ही करता हूँ। ट्रू टेबल आर द फॉलोइंग लॉजिक गेट फोर। देखो ये एक ट्रू टेबल दिया है, उस ट्रू टेबल के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना है ये कौन सा गेट है भाई। ट्रू टेबल के बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना, देखो और वन हमें मिल गया, ज़ीरो दिया। तो चलो चेक एक करते हैं, एक 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 में चेक करते हैं इसका ट्रू टेबल। थोड़ा पहले तो आसान वाला चेक करते हैं, और वन ज़ीरो जो है और गेट कभी नहीं देगा, वन और गेट वन देगा। नॉर को चेक कर लेते हैं। नॉर जो होता है ऐसे होता है ये, ठीक है, ये वन और ए वन, ये सम किया वन, ए इन्वर्ट किया ज़ीरो। हाँ मैच तो कर रहा है नॉर से, तो एक और मैच करा लेते हैं, नैन समझ रहे हो ना, एक और मैच करा लेते हैं, कम से कम दो तो मैच करा लें। तो ये वन और वन, अगर ये वन है और ये ज़ीरो है, तो ये सम किया वन हुआ और ये फिर ज़ीरो दिया, तो कम से कम दो तो मैच कर ही गया, तो ये नॉर गेट ही है। ऑब्वियसली नैन गेट नहीं होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करके इन्वर्ट करेगा, तो वन वन का मल्टीप्लाई क्या होगा, वन वन का मल्टीप्लाई वन होगा और वन को इन्वर्ट करेगा ज़ीरो, और यहाँ वन वन का मल्टीप्लाई वन और ज़ीरो का मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा, ज़ीरो का इन्वर्ट करेगा तो वन आएगा, तो ये नैन गेट नहीं है। और ये भी इसका भी चेक कर लेना, ये भी नहीं है, तो ये नॉर गेट दो से मैच कर गया। चलो कहता है डायोड यूज इन सर्किट।